नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई आज के इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं हुंडई क्रेटा। कल हमने एलिवेट की वीडियो डाली थी, तो एलिवेट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में। जो प्राइसिंग होंडा ने दिया है ना, वो काफ़ी बढ़िया दिया है। अगर अपन एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट देखते हो तो प्राइस स्टार्ट होता है 12 लाख से, और टॉप मॉडल की कीमत जाती है एलिवेट की 16 लाख रुपये एक्स शोरूम। अब जो सेगमेंट किंग है हुंडई क्रेटा, सेगमेंट किंग क्या, अगर आप एक एसयूवी की मार्केट में डिमांड देखते हो ना, तो क्रेटा ही है जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, लगभग 14,000 यूनिट काफ़ी मंथ्स में। तो एलिवेट से कैसे कम्पीट कर पाएगी? अब हुंडई क्रेटा का मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये स्टार्ट हो जाती है अपनी 10,80,000 से बेस वेरिएंट, और टॉप मॉडल की कीमत लगभग 20 लाख के आसपास जो है वो चली जाती है। अब होंडा एलिवेट के प्राइस में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है क्रेटा का SX वेरियंट, ठीक है, 1.5 लीटर पेट्रोल मैनुअल SX वेरिएंट। अगर आप क्रेटा लेते हैं तो आपको 14,82,000 रुपये एक शोरूम पड़ता है। वहीं अगर आप एलिवेट का टॉप मॉडल लेते हैं ZX मैनुअल, वो आपको पड़ता है 14,90,000 रुपये। तो 10,000 रुपये मैनुअल में ये आपको एलिवेट से सस्ती मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लेते हैं CVT में एलिवेट को, तो उसका आपको टॉप मॉडल पड़ता है 16 लाख रुपये। लेकिन क्रेटा का अगर आप 1.5 CVT SX वेरिएंट लेते हैं, तो आपको पड़ेगा 16,32,33,000 एक्स शोरूम। तो CVT में ये 30-32,000 रुपये आपको महंगी मिलेगी। तो आज इस SX वेरिएंट की बात करेंगे, इसमें क्या फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्या फीचर्स आपको कम मिलते हैं, और एलिवेट से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये आपके लिए रहेगी नहीं रहेगी, उन सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखाता हूं। तो क्रेटा की आपको कुछ ऐसी मिलेगी। इसमें आपको दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है। मैनुअल के साथ आपको इंजन स्टार्ट करने का बटन भी मिल जाता है, और आपका बूट को अनलॉक करने के लिए बटन भी मिल जाता है, और दोनों ही चाबियाँ अपनी रिमोट रहेगी। देन डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन देखिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है डिज़ाइन के लिए। तो किसी को क्रेटा अच्छी लगती है, किसी को एलिवेट अच्छी लगती है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली दोनों ही गाड़ियाँ जो है वो अच्छी लगती है। क्रेटा अगर मैं देखूँ तो थोड़ी सी मुझे ज़्यादा हैवी लगती है एलिवेट के कंपैरिजन में, देखने में हैवी लगती है। लेकिन अगर डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशंस वाइज क्रेटा छोटी है। विड्थ तो दोनों की सेम है, लेकिन आप लेंथ, व्हील बेस, हाइट वगैरह देखोगे तो एलिवेट जो है वो इन चीज़ों में एक्स्ट्रा थोड़ी सी पड़ जाती है। बाकी ग्रिल आप देख सकते हो, क्रेटा को थोड़ी सी जो है वो अलग टाइप की ग्रिल आती है, मतलब थोड़ी सी मैसियर ग्रिल नहीं है, आपको सिंपल स्लेट्स वो मिलते हैं। हेडलैम्प सेटअप जो है वो क्रेटा में भी आपको LED बेस्ड मिलता है, ये आपके LED DRLs हो गए। नीचे आपको फोग लैम्प जो है वो मिल जाते हैं, एंड अपने पास ये आते हैं इंडिकेटर। फोग लैम्प जो है वो अपने को हैलोजन बेस्ड यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब जो फीचर्स एलिवेट में मिसिंग है वो है 360° कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर। लेकिन उस प्राइस में अगर आप SX लेते हैं क्रेटा का, तो जी इसमें भी आपको वो दोनों ही फीचर्स मिसिंग मिलेंगे। तो प्राइस सबसे बड़ी चीज़ है, आप ज़्यादा पैसा डालोगे तो भाई पता नहीं आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन जितने प्राइस में एलिवेट आते हैं उस प्राइस में आपको हुंडई क्या देती है वो मैं दिखाऊंगा। 17 इंच के जो है वो आपको अलॉय मिलते हैं, सिल्वर कलर के जो है वो अलॉय है, कोई भी ड्यूल टोन वगैरह का ऑप्शन नहीं है। 21560 का टायर का प्रोफाइल है, एलिवेट का देखते हो तो 21555 का टायर का प्रोफाइल है, और उसके अलॉय थोड़े से ड्यूल टोन जो है वो आते हैं। लेकिन क्रेटा में एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको सामने भी डिस्क मिलते हैं, आपको पीछे भी जो है वो डिस्क ब्रेक मिलते हैं इसके बेस वेरियंट से, तो ये थोड़ा ज़्यादा जो है वो बेटर हो जाता है। साइड क्लैडिंग्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए मिल जाती है। एलिवेट की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, इसको आप एज एन कंपैरिजन जो है वही समझिए इस वीडियो को। ORMs में अपने को LED टर्न इंडिकेटर, बाकी सारे फीचर्स आते हैं, यानी कि फोल्ड वाले, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले सब फीचर आते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड वाला ORVM है उस पर कोई भी कैमरा ऑफर नहीं किया जाता, जबकि आपको एलिवेट में कैमरे ऑफर किए जाते हैं। अब बात आती है पीछे के डिज़ाइन को, तो पीछे से लगती है क्रेटा भाई एकदम ही स्पोर्टियर फील देती है। LED लाइट्स जो है वो आती है, आपको हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर आते हैं, बाकी कनेक्टिंग वगैरह के फीचर तो नहीं आते, लेकिन आपको हाई माउंटेड प्रॉब्लम जो है वो यहाँ मिल जाता है, और एक ब्लैक पट्टी जो है वो आपकी रनिंग होती हुई दिखेगी। इसका कैमरा आपको रिवर्स वाला मिल जाता है, रिवर्स में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं। अब करते हैं भाई बात बूट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग फीचर अपने पास आता है। बूट जो है वो 438 लीटर के समथिंग का बूट आपको मिलता है, एलिवेट से छोटा बूट है, लेकिन इसका बूट एकदम फ्लैट है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है सामान वगैरह रखने में। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है बूट का। 60-40 का स्प्लिटर से अपने को यहाँ भी मिलता है, आपको लैंप जो है वो मिलता है, बाकी पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो यहाँ भी दी गई है। स्पेयर व्हील 16 इंच का है, 1 इंच छोटा है। 205/65 का आपको साइज़ मिलता है, एलिवेट में भी ऐसे ही आपको 16 इंच का स्टील रिम जो है वो ऑफर किया जाता है। अब बात आती है भाई सीटिंग की, तो पीछे वाली सीट अगर मैं आपको दिखाऊं क्रेटा की, तो पहली बात तो इसमें अपने को फैब्रिक सीट्स जो है वो ऑफर की जाती है। हेडरेस्ट जो है वो अपने को 2 ऑफर किए जाते हैं, एलिवेट में भी आपको 2 ही ऑफर किए जाते हैं। ये जो कुशन है ना, ये वाला,
ये चीज़ इसके SX वेरिएंट में अपने को कंपनी से ऑफर की जाती है, कोई एक्सेसरी वगैरह का पार्ट नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो है वो बेटर हो जाता है। बाकी स्पेस की अगर अपन बात करें तो भाई स्पेस और सीट का कंफर्ट अगर मैं देखूं तो एलिवेट नो डाउट उसका ज़्यादा बढ़िया है, जो कुशन क्वालिटी है वो भी बेटर है और स्पेस वगैरह भी जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है। यहाँ पे अपने को AC वेंट्स मिल जाते हैं रियर, एक जो है टाइप ए का सॉकेट अपने को मिल जाता है एलिवेट में, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट ऑफर किया जाता है। फ़ोन रखने की थोड़ी सी जगह है, आर्मरेस्ट है 2 कप होल्डर के साथ, और एक चीज़ और अच्छी मिलती है क्रेटा में वो है अपने ये बढ़िया है यार, सनशेड ना ये देने चाहिए थे, ये होंडा वालों ने नहीं दिए, लेकिन आपको क्रेटा में मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और डोर पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, एलिवेट में लेदर मिल जाता है। बाकी पावर विंडो जो है वो अपनी नॉर्मली, यानी कि वन टच आपको डाउन अप वाला सिस्टम नहीं मिलता, नॉर्मल ही जो है वो पावर विंडोज मिलती है। स्पीकर इसमें अपने को 4 आते हैं, ठीक है, और अपने को ट्विटर जो है वो भी मिल जाते हैं। कोई भी प्रीमियम साउंड नहीं है SX वेरियंट में, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको बोस वगैरह के जो है वो म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं। अब एक जो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है वो है भाई ये, भाई कसम से बता रहा हूँ ये फील ही चेंज कर रही है इस गाड़ी का, ठीक है। फीचर वाइज देखता हूँ ना मैं तो एलिवेट में ज़्यादा जो है वो फीचर्स आते हैं, लेकिन भाई ये पैनारोमिक सनरूफ जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना तो फील ही चेंज कर देती है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि एलिवेट में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिस कर दी होंडा वालों ने, देनी चाहिए थी, छोटी सनरूफ दे दी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे अपने को पैनारोमिक सनरूफ जो है वो ऑफर की जाती है। LED लाइट्स है बेटर देन एलिवेट, एलिवेट में आपको सेंटर में मिलती है, वो थोड़ा अच्छा भी नहीं है, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लगता है। सीट बेल्ट जो है वो इसकी एडजस्टेबल अपने पास आती है। एयरबैग जो है वो इसमें भी अपने को 6 एयरबैग का प्रॉपर सेटअप जो है वो दिया जाता है। अब बात आती है और फीचर्स की, एक चीज़ और, एडास जो है वो क्रेटा में नहीं आता, सेल्टोस में आता है, लेकिन सेल्टोस के भी सिर्फ टॉप एंड में आता है, क्रेटा भी जब आएगा तो शायद टॉप एंड में ही आए, तो वो चीज़ एक मेजर मिसिंग है वो फीचर अपनी हुंडई क्रेटा में, जो कि एलिवेट में अपने को मिल जाता है। कैमरा बेस उसमें एडास मिलता है, एडेप्टिव क्रूज के भी जो है फीचर्स आते हैं उसके साथ, इमरजेंसी ब्रेकिंग के भी आते हैं, लेन की असिस्ट का, लेन चेंज का जो है सारे फीचर अपने को उसमें एलिवेट में ऑफर किए जाते हैं। अब बात आती है भाई इनकी, तो ये अपने नॉर्मल है, सिर्फ ड्राइवर साइड वाली विंडो जो है वो अपनी ऑटो अप और डाउन के साथ आती है। कोई भी सॉफ्ट टच डोर पे नहीं है, कोई भी सॉफ्ट टच डैशबोर्ड पे भी नहीं है, तो ये एक कमी और आ जाती है। सीट एडजस्टमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो है वो नहीं आती है SX वेरिएंट में, अपने को फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है, आगे से अपना हुड ओपन कर सकते हैं, बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप करने का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का, ट्रैक्शन का और हेडलैम्प लेवलर, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, ये तो भाई अपने को सब गाड़ियों में ऑफर की जाती है। अब स्टेयरिंग अगर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग जो है भाई वो डी कट आपको दिया गया है, स्टेयरिंग पे लेदर की रैपिंग भी अपने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में अपने को मीडिया के जो है वो कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड राइट साइड में अपने को क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, एलिवेट में अपने को टेलीस्कोपिक भी मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, राइट साइड में हेडलैम्प है, हेडलैम्प ऑटोमेटिक आते हैं। अब MID देखिए, MID आती है इसमें एनालॉग, जबकि एलिवेट में आती है अपनी डिजिटल, वो ज़्यादा बेटर लगती है, ज़्यादा अच्छी है भी, ये भाई नहीं लगती अच्छी, ठीक है। इसके टॉप एंड में जो आती है क्रेटा के में वो बढ़िया है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, इस तरफ इंजन की, उस तरफ फ्यूल की, और बीच में छोटी सी डिस्प्ले है, ठीक है। डिस्प्ले भी वही अपनी नॉर्मल चीज़ें दिखाएगी, ज़्यादा कुछ तो दिखाएगी नहीं। TPMS आता है, ठीक है, बाकी डिजिटल स्पीड आती है और अपनी ड्राइविंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने को मिल जाती है। डैशबोर्ड के अगर डिजाइन पैटर्न की बात करें तो देखिए, मुझे क्रेटा थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है। अगर मैं टॉप एंड पे देखूँ तो ये वाला नहीं, ये वाला थोड़ा सा जो है वो मतलब कि ऐसे कमी सी महसूस हो रही है, वो बेस मॉडल वाली ना वो फील सी दे रहा है, लेकिन क्रेटा का टॉप मॉडल का आपको जो डैशबोर्ड है वो ज़्यादा बेटर मिलता है मेरे हिसाब से। देन सेंटर में जी अपना 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको वायरलेस नहीं मिलेगा इसमें, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। जो क्रेटा के नीचे वाले वेरियंट्स में टच स्क्रीन आता है उसमें आता है, लेकिन इस वाले में वायरलेस नहीं आता। बटन्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं, नोब अपने पास है, इंटरफेस इसका ज़्यादा बढ़िया है और ज़्यादा मतलब कूल सा लगता है, पूरी एकदम साफ साफ जो है वो सेटिंग्स वगैरह दिखाई गई है उसमें, थोड़ा सा पुराने ज़माने वाला जो है वो फील आता है। ऑटोमेटिक AC इसमें आता है, ठीक है, मैक्स कूल का बटन यहाँ पे मिसिंग है जो कि एलिवेट में मिल जाता है, हजार बटन की प्लेसमेंट है, वायरलेस चार्जर दोनों गाड़ियों में आता है। यहाँ पे आपको टाइप ए फास्ट चार्जिंग का एक सॉकेट मिलता है USB और 12 वोल्ट का,
एलिवेट में और इसमें, दोनों में सी टाइप के पोर्ट्स मिसिंग है मेरे हिसाब से। भाई सी टाइप अब सबको देना चाहिए, सब फ़ोन वगैरह जो है वो सी टाइप ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात आती है भाई गेयरबॉक्स की, तो 6 स्पीड का मैनुअल आपको यहाँ भी मिलता है, 6 स्पीड का मैनुअल आपको वहाँ भी मिलता है, सीवीटी का ऑफ़र आपको यहाँ भी मिलता है और सीवीटी का ऑफ़र आपको वहाँ भी मिलता है। क्रेटा में फ़ायदा बताया कहाँ है, क्रेटा में आपको डीजल के ऑप्शन जो है वो भी दिए जाते हैं, तो वो वहाँ पे मिसिंग है। बाकी पेट्रोल के हिसाब से ओके रिपोर्ट है, दोनों में सेम जो है वो आपको गेयरबॉक्स मिलते हैं। लेदर की रैपिंग है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, 2 कप होल्डर्स है, आर्मरेस्ट अपना है, उसके अंदर स्पेस जो है वो दिया गया है आपको, यहाँ पे ग्लोव बॉक्स जो है वो भी कूल्ड ऑफर किया जाता है। बाकी एयरबैग वगैरह का मैंने बता दिया। अगर आप देख रहे हैं ना ये लेदर जैसा लग रहा है, तो लेदर नहीं है, प्लास्टिक है, बस थोड़ा सा फील लेदर वाला देने की कोशिश की गई है। IRVM अपना यहाँ पे ऑटोमेटिक आता है, ब्लू लिंक के जो है सारे फीचर आते हैं, यानी कि कनेक्टेड कार टैग के सब फीचर्स अपने को यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सनग्लास होल्डर है और आपके कैबिन लैंप से, कैबिन लैंप इसके ज़्यादा बेटर है भाई। होंडा सिटी के काफ़ी अच्छे थे कैबिन लैंप, लेकिन वो होंडा सिटी वाले पता नहीं क्यों नहीं लेके आए, एलिवेट में नॉर्मल वाले दे दिए, ये ज़्यादा बेटर है। बाकी सनरूफ का मैंने आपको बता ही दिया, पैनारोमिक सनरूफ यहाँ पे ऑफर की जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वैनिटी मिरर बड़े साइज़ का है, लेकिन इल्यूमिनेशन मिसिंग है और इस तरफ अपने को कुछ भी नहीं मिलता। एलिवेट में कम से कम इधर भी वैनिटी मिरर तो मिलता है, इल्यूमिनेशन इधर नहीं मिलती पर मिरर मिलता है। तो ये था जी इंटीरियर। देखिए फीचर वाइज अगर अपन देखें तो नो डाउट एलिवेट इज़ विनिंग बिल्कुल। आपको बस पैनारोमिक सनरूफ छोड़ के सारे फीचर्स जो है वो एलिवेट में मिल जाते हैं, जो आपको क्रेटा के SX में मिलते हैं। इससे ज़्यादा एडास भी मिल रहा है भाई, ठीक है वो एक बड़ी बात होती है। आजकल एडास हुंडई ने अपनी वेन्यू में एडास दे दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन क्रेटा में जो है वो अभी तक नहीं दिए। हाँ आएंगे क्रेटा में। अब अगर अपन बात करें गाड़ी के इंजन की, तो 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेट ये आप देख रहे हैं, 113 BHP जनरेट करता है और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन का लेआउट एलिवेट से ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है, क्योंकि कवरिंग वगैरह भी जो है वो ठीक ठीक की गई है। इंजन प्रोटेक्शन यहाँ पे भी ऑफर किया गया है, जो इंसुलेशन मटेरियल है वो भी लगाया गया है, और इसका जो हुड है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को भारी लग रहा है एलिवेट के मुकाबले, क्योंकि मेरे को लगता है बोनट का एरिया इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अब इसको कंपेयर करें अगर एलिवेट के 1.5 लीटर IVTEC से, तो जी कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो 120 BHP जनरेट करता है और टॉर्क भी 145 Nm का जनरेट करता है। एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज आपको लगभग जो है वो दोनों इंजन सेम से देंगे, लेकिन फन टू ड्राइव थोड़ा ज़्यादा है एलिवेट का इंजन। IVTEC रिलायबल भी ज़्यादा है और लो मेंटेनेंस इंजन जो है वो यहाँ पे मिलेगा, तो इंजन में नो डाउट एलिवेट इज़ विनिंग। अब क्रेटा जो है वो क्यों आपको कंसिडर करनी चाहिए, उसके कुछ रीजन्स मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्रेटा सबसे पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा बिकेगी तो रीसेल वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा आएगी, तो क्रेटा रीसेल वैल्यू में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी एलिवेट के मुकाबले। हालांकि होंडा के जो होंडा सिटी है उनके रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, बट एलिवेट का अभी हम उतना कह नहीं सकते, लेकिन क्रेटा टेस्टेड प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, इंजन ऑप्शन इसमें आपको डीजल मिल जाता है, डीजल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका और काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो अगर आपको डीजल चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। तीसरी चीज़, सर्विस सेंटर्स जो है वो इसके थोड़े आपको ज़्यादा मिलेंगे होंडा के मुकाबले, सर्विस नेटवर्क कहना चाहूँगा मैं, वो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा कर देगा। अब क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसके भी कुछ रीजन्स है। पहला तो सेफ्टी में जो है वो 3 स्टार इसको एलिवेट शायद से ज़्यादा ले आए, क्योंकि होंडा सिटी वाला प्लेटफॉर्म है, तो वो एक ज़्यादा बड़ा रीज़न बन जाता है। थोड़े फीचर्स आपको एलिवेट में ज़्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं और वो प्रोडक्ट थोड़ा मेरे को लगता है कि होंडा के प्रोडक्ट थोड़े ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू हुंडई। तो ये कुछ रीजन्स है भाई, आप देख सकते हैं आपको एलिवेट चाहिए, आपको क्रेटा का SX वेरिएंट चाहिए, प्राइस कंपेयर और फीचर कंपेयर जो है वो मैंने आपके लिए कर दिए। तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक कर सकते हैं।